नमस्कार, मैं हूँ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं NL Sports। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, IPL 2022 की नीलामी हो चुकी है। पहले दिन 74 खिलाड़ियों को खरीदा जा चुका था और IPL ऑक्शन के सबसे पहले दिन 10 खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए या फिर इससे ज्यादा की रकम पर खरीदा गया था। ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए के साथ खरीदा गया था और उनके साथ साथ आवेश खान को 10 करोड़ रुपए भी मिले थे। वहीं विदेशियों खिलाड़ी की बात करें तो उनमें निकोलस पुरन को सबसे ज्यादा 10 करोड़ 75 लाख रुपए पहले दिन दिए गए। लेकिन इनके अलावा अगर हम अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें तो इनमें जो है आवेश खान का भी नाम शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खिलाड़ियों को जितने रुपए में खरीदा जाता है उतने पूरे पैसे इन्हें मिलते हैं या फिर नहीं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसे जानना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बात यह है कि ऑक्शन में तय की गई कीमत में कुछ चार्ज भी काटे जाते हैं और उसके बाद उन्हें पैसे दिए जाते हैं। और ऐसे में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसे में से कितना चार्ज किया जाता है और उन्हें कितने पैसे आखिरी में मिलते हैं और साथ ही साथ उनकी फीस में से कितनी कटौती हो जाती है। तो बता दें कि जब ऑक्शन होता है तो भारतीय खिलाड़ी को ऑक्शन के रूप में जितने भी रुपए मिलते हैं उसमें TDS का चार्ज भी कटता है। भारतीय खिलाड़ी को जितना भी पेमेंट मिलता है उसका 10% TDS काटा जाता है। इसके बाद उन्हें ITR फाइल करनी होती है, उसमें अन्य इनकम और खर्चों का हिसाब किया जाता है, जिसके बाद से कमाई पर आखिरी टैक्स देना पड़ता है। नेट इनकम के बाद इसमें टैक्स और भी देना पड़ता है और TDS की गणना सिर्फ ऑक्शन मनी के आधार पर ही की जाती है। इसी पर बात करें तो एक CA गौरव शर्मा ने इसके ऊपर बताया है कि टैक्स काटने के बाद जो है जो एक्यूरेट गणना है उसका करना जो है मुश्किल है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्शन एक बेस प्राइस होता है। इसके बाद जो है कंपनियों का खिलाड़ियों के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उन्हें पैसे मिलते हैं और उसके बाद उनकी इनकम और खर्च को लेकर टैक्स की गणना की जा सकती है। ऐसे में आमतौर पर उनके ऑक्शन प्राइस से 10% TDS काटा जाता है, लेकिन एक्चुअल मनी क्या होती है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि अगर आप NL Sports के चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी अपडेट समय से मिल जाए। धन्यवाद।